नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया कि पंचायत सचिवों के लिए बजट आवंटन आ चुका है सैलरी के लिए। तो दोस्तों, सैलरी के लिए बजट आवंटन तो आ चुका है, अब हमारे सामने एक नया समस्या आ रही थी कि हमारे जनपद सीओ सर या मैडम का जो है डीडीओ पावर चले जाता है मार्च में, तो वो डीडीओ पावर भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके संबंध में मैं आपको आदेश भी दिखाने जा रहा हूँ। तो अब सैलरी मिल रहे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हमें अब अप्रैल की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, आगे की सारी सैलरी लगातार रहेगी। तो चलिए पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, हम सीधे आदेश पर ही आते हैं। कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल 30/3/2024 30 मार्च को ही निकाला जा चुका है। प्रतीक कोषालय अधिकारी हरदा, नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश। ठीक है, विषय 45 मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत के आहरण एवं संवितरण अधिकार डीडीओ पावर में वृद्धि किए जाने के संबंध में। संदर्भ दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक ये 21/2/2024 का। विषयांतर्गत मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक दिनांक 21/2/2024 के द्वारा 45 सामुदायिक जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत के अस्थायी पदों की निरंतरता दिनांक 1/4/2024 से दिनांक 31/3/2025 तक प्रदान की गई है। 1/4/2024 से दिनांक 31/3/2025 तक प्रदान की गई है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक 17/4/2023 से संलग्न सूची अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिनांक 1/4/2023 से 31/3/2024 तक के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो 31 मार्च तक ही प्रदान किए गए थे। तो अब दिनांक 1/7/2020 से प्रभावशील नवीन मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 अनुसार भाग 1 अनुवाग 6 के नियम 12(1) में इस कार्यालय को प्रदत्त अधिकारों के तहत एतद् द्वारा संलग्न सूची परिशिष्ट 1, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय की स्थापना संबंधी कार्यों के लिए देयक द्वारा कोषालय से आहरण हेतु दिनांक 1/4/2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 से दिनांक 31/3/2025 31 मार्च 2025 तक प्राधिकृत किया जाता है। तो डीडीओ पावर में वृद्धि कर दी गई है। कोषालय से राशि आहरण हेतु प्रस्तुत देयक का परीक्षण समय समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 में प्रावधानों के अनुरूप किया जावे। संलग्न यथोपरि आयुक्त द्वारा अनुमोदित संयुक्त संचालक महोदय द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट, अब मैं आपको सूची भी दिखा देता हूँ। तो डीडीओ पावर, डीडीओ कोड, पदनाम, जनपद और जिला। तो ये जैसे जिला आप देखेंगे हरदा जिले, तो तीनों जनपद के जो है जारी हो चुके हैं। होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम जिले में हो चुके हैं, जबलपुर जिले की सारी जनपद पंचायतों में हो चुके हैं, कटनी जिले की सारी जनपद पंचायतों में हो चुके हैं, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी, किरनापुर, लांजी, खैरलांजी, वारा सिवनी, बालाघाट, लालबर्रा और कटंगी। ठीक है, इन सब जगह 45 जगह जो है डीडीओ पावर में वृद्धि कर दी गई। तो अब सैलरी मिलने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह जो है टाइम से अब सैलरी का भुगतान हो सकेगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।